हेलो जी नमस्कार स्वागत है वेलकम टू वेलकम टू मैथ्स कै हेलो जी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेलकम यू ऑल नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हेलो जी हाउ आर यू वेलकम टू सुन स्टार्ट कर रहा हूँ प्लीज वेट नमस्कार स्वागत है सो सोसन आज बात करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में कि व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये ये सुनिए इनफानट सीरीज से ही आगे कंसेप्ट होता है पर यहाँ पे जो सीक्वेंस होती है वो फंक्शन की सिकवेंस uh, होती है और जो फंक्शन की सीक्वेंस होती है वो कब कन्वर्ज होगी उसके बारे में यहाँ पर एम एन टेस्ट के बारे में बात करी जाती है तो वो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि वो एग्जैक्टली exactly क्या है और कैसे हम यहाँ पर इस पर बेस्ट क्वेश्चन इसमें ये जो टॉपिक है ये सी नेट और गेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है गेट के अंदर भी इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं इसी टॉपिक के बारे में सो जस्ट वेट करिए स्टार्ट द सेशन चले जी शुरू करते हैं करते हैं, so, ससंट शुरू करते हैं और यार क्या है? एक सेकेंड है स्टार्ट कर रहा हूं थोड़ा सा इशू आ रहा है चलो जी शुरू करते हैं बात करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में कि स्विंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है स्विंट नॉर्मली अगर हमारे पास जो भी हमने पढ़ा है सीक्वेंस वो किसी न किसी पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लेता हूँ ये वाली है ना कि मैंने आपके सामने एक सिक्वेंस ली वन अपॉन एन ये हमारे पास एक सिक्वेंस राइट तो स्विंट ये जो सिक्वेंस होगी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे वन Two, आ, सुन ये हमारे पास क्या होती है एक सिक्वेंस होती है ना ये पर्टिकुलर एक सिक्वेंस है आ, सुन यहाँ पे हमारे पास जो सिक्वेंस होती है वो फंक्शन की सिक्वेंस होती है फंक्शन की सिक्वेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दे रखा है ना मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एक्स पावर एन ये हमारे पास एक फंक्शन देखा है तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास फंक्शन की सिक्वेंस क्या आएगी सुन जहां पर भी एन एवा वन रखेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे हमारे पास सीक्वेंस आते जाएगी फिर एक्स की जगह हमारे पास कोई भी इंटरवल दे रखा मान लीजिए हमारे पास इंटरवल दे रखा जीरो सेवन तो उसके बीच में हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास ये अलग सीक्वेंस है ये अलग सीक्वेंस है ये अलग सीक्वेंस है अलग अलग हमारे पास यहां पे क्या हो रही है सिक्वेंस आ रही है। और उस सिक्वेंस अ, मतलब अलग अलग हमारे पास यहां पे वैल्यू आ रही फंक्शन की और फंक्शन की जो सिक्वेंस होती है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है कि नहीं है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है बेटा ये जो फंक्शन हमारे पास देखा एन इससे बनने वाली जो सिक्वेंस फंक्शन हमारे पास जो देखा वैल्यू मतलब X की वैल्यू हमारे पास जीरो और वन के बीच में है तो ये जो सिक्वेंस है फंक्शन की ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी तो इस टाइप की सिक्वेंस हमारे पास ऐसी भी हो सकती है जैसे ये भी हमारे पास एक, एक है बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे जब एन इज वन रखेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एस ये एक सिक्वेंस आ जाएगी ना ये अलग एक मतलब ये हमारे पास सिक्वेंस आती जाएगी इसकी वैल्यू हमारे पास अलग अलग आती जाएगी सो ये हमारे पास एक सिक्वेंस आ गई राइट है ना एन की जगह अलग है जहाँ पर एक्स हमारे पास क्या रहा है स्वयं जीरो से इंफानाइट के बीच में आ रहा है तो अगर हमारे पास कोई भी सिक्वेंस की बात करी जाती है तो आपको यहाँ पे ये चेक करना होता है कि यार ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो से तीन चीज़ें होती है एक होता है हमारे पास पॉइंट वाइज सिक्वेंस क्या है दूसरा होता है पॉइंट वाइज लिमिट क्या है फिर हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है दैट इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ये तीन चीज़ें होती इन तीन चीज़ों से बन के एक और कंसेप्ट निकलता है दैट कंसेप्ट इज़ नॉन एज ए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस राइट

अगर हम बात करेंगे सुन यहाँ पे तो ये जो सीक्वेंस होगी ये क्या होगी सुन x x स्क्वायर x क्यूब x पावर फोर बेटा ये हमारे पास एक सीक्वेंस आएगी क्लियर ये हमारे पास एक सीक्वेंस आएगी अगर मैं x की जगह जीरो रखूँ ध्यान दीजिएगा इस सुन में अगर x की जगह जीरो रखूँ तो बेटा ये सीक्वेंस हमारे पास क्या जीरो 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 ये आ जाएगी अगर मैं एक्स की जगह वन रखूँ तो बेटा ये सीक्वेंस हमारे पास क्या वन वन एगा अगर मैं एक्स की जगह माइनस वन रखूं तो बेटा हमारे पास क्या जाएगी माइनस वन माइनस वन आ वन जाएगी अगर मैं एक्स की जगह वन बाई टू रखूँ बेटा कुछ भी वैल्यू रख सकते हो इस अ, मतलब हमारे पास जो भी वैल्यू देखिए अगर आपसे बोला जाएगी एक्स बिलोंग्स टू आ रहा तो आर से कोई भी ले लो या अगर आपसे बोला जाएगा एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास जीरो से वन बीच तो जीरो से वन के बीच में कोई भी जैसे मैं एक्स की जगह वन बाई लेता हूँ तो बेटा ये आएगा वन बाई टू वन बाई टू स्क्वायर By cube है ना, तो ये पास जो भी हमारे वैल्यू है।, मतलब है वो पर्टिकुलर वैल्यू पेक्वेंस को देखते तो पे बहुत सारी अलग -अलग sequence अगर हमें ये देखना है कि ये sequence, ये जो फंक्शन है मतलब फंक्शन की जो सिक्वेंस है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इसका मतलब ये होगा कि एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो इंटरवेल में उन सभी वैल्यू के लिए यहाँ पे ये जो सिक्वेंस होगी वो क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। अगर ऐसा होगा तो जो सीक्वेंस होती है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाती है। कि भैया, हर पॉइंट इस, इस आ रही है, आ रही है ना? ये यहां पे -1 नहीं ले सकते हैं अगर हम बात करेंगे माइनस वन से वन तो हम बात कर सकते हैं यहां में क्लियर आगे बढ़ते हैं जी सुन पॉइंट वाइज लिमिट क्या होती है, है ना ध्यान दीजिएगा जब भी हम पॉइंट वाइज सिक्वेंस बात करते हैं तो उस सिक्वेंस का जो लिमिट है वो हमारे पास क्या होता उसका limit है उसका पॉइंट वाइज लिमिट कहलाता है इफ then the limit of sequence ऑफ फंक्शन लिमिट ऑफ the ऑफ फंक्शन टू belongs बिलोंग्स टू डी पॉइंट वाइज लिमिट एंड इट इज denoted बाय f x. फॉर example, अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि f x is equal to x पावर n और मैंने यहां पे इस sequence की बात करी ये देखो सुनना मेरी बात बेटा मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लूंगा मान लीजिए हमारे पास ही देखा है कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन और आपसे बोला जा रहा है कि जीरो से वन मान लीजिए हमारे पास ये आ रहा है क्लियर है बेटा सुनना मेरी बात ये बात करी जा रही तो बेटा हम जानते हैं कि इसके बीच बीच के पॉइंट जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एक्स इज इक्वल टू जीरो बेटा एक्स इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू होगी वो क्या आएगी बेटा एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी जीरो आएगी अगर मैं एक्स की वैल्यू वन बाय टू ले लूँ बेटा वन बाय टू लोग ध्यान दीजिएगा बेटा एक्स की जगह मैं वन बाई टू लेता हूं तो जहां पर भी एक्सन टू हाँ, आएगा है ना तो वन बाई टू पावर एन आएगा तो ये जो सिक्वेंस बनेगी ये जानते हैं कि एन टाइम्स टू इन पे जीरो पे जाता है, है ना तो सुन यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू ले तो वन बाई टू ले लो वन बाई थ्री ले लो है ना कुछ भी वैल्यू ले लो तो मैं आपको यहाँ पे ऐसा ले कि लेक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो सेवन है ना बेटा ध्यान दीजिएगा एक क्लोज इंटरवेल है ध्यान दीजिएगा क्लोज इंटरवेल है ना नहीं दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आई डीज सिलेबस

क्लोज इंटरवल जीरो से ओपन इंटरवल वन जा रहा है तब ये जीरो आ रहा है और जब एक्स की वैल्यू वन आ रही तब ये वन आ रहा है ये इसकी क्या हो जाएगी भैया पॉइंट वाइज लिमिट हो जाएगी जब भी हम किसी को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे तो वहां पे हमें पॉइंट वाइज लिमिट पहले निकालनी पड़ेगी फिर हम यहां पे एम एन टेस्ट दैट इज जो हमारे पास टेस्ट है उसको हम अप्लाई करने के लिए हमारे पास पॉइंट जैसे आपके सामने एक छोटा सा एक्साम्पल लेता हूं अब यही क्वेश्चन है मान लीजिए यही हमारे पास क्वेश्चन है और आपसे बोला जाए कि भैया एफ एन एक्स जो है वो हमारे पास आ रहा है एक्स पावर एन एक्स बिलॉन्ग टू माइनस वन से जीरो बट आप जानते हो यहां पर अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे मैं आपको अगर इसको बताऊं यहां पर तो जो, जो वैल्यू आएगी अगर वो माइनस वन रखे तो बटाई जो सिक्वेंस आएगी येगी बटाई जो सिक्वेंस आएगी माइनस वन पावर एन पर हम जानते हैं कि जो माइनस वन पावर एन सिक्वेंस होती है एन टेंस टू इन्फाइनिट पर कन्वर्जेंट नहीं होती ऑसुलेट करती है. है ना और इस तो इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट होगी वो एक्सिस्ट नहीं करेगी अल्टीमेटली पॉइंट वाइज लिमिट का मतलब ये होता है कि जो भी पॉइंट हम उस सीक्वेंस के अंदर रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है उसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है right? राइट या उसका लिमिट क्या आ रहा है वही उसका क्या होता है पॉइंट वाइज लिमिट होता है जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पे क्लोज इंटरवल जीरो से ओपन इंटरवल वन के अंदर जो भी पॉइंट रखोगे अल्टीमेटली वो सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करेगी वन क्या जा रहा है one पे जा रहा है तो ये इसकी पॉइंट वाइज लिमिट आएगी पर सुन जैसे ही एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे तो जो एक्सुड माइनस वन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं होती है और अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो भैया इसकी पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इस वाले केस में पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ध्यान दीजिएगा मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं इस पॉइंट वाइज लिमिट से बहुत कुछ डिपेंड करता है जितने भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस होते हैं लगभग सितर प्रतिशत क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन से ही हो जाएंगे अगर किसी की पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो भैया वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा अगर किसी की पॉइंट वाइज लिमिट कॉन्टिन्यूस नहीं आ रही है, अब देखो बेटा समझना दिस पॉइंट वाइज लिमिट इज नॉट कॉन्टिन्यूस बेटा वन पे अलग लिमिट दे रहा है दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस और अगर किसी की भी पॉइंट वाइज लिमिट कॉन्टीन्यूस नहीं होती है तो वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है तो दो केस तो हमारे को यहां मिल गए कि पॉइंट वाइज लिमिट अगर हम निकाल रहे हैं अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अगर उसका पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट राइट सो दिस आर द टू पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सो लाइक जरूर कर दीजिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है वही सेम सुन जीरो से वन के बीच में हम जानते हैं जब एक्स की वैल्यू वन आएगी तो वन आएगा और एक्स की वैल्यू वन नहीं है तब ये कितना आएगा ये आ जाएगा है ना और ये हमारे पास पॉइंट वाइज लिमिट से जो जिस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखता है ना तो सुनिए हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जन का एग्जाम्पल है जिसमें बात करता हूं सुन एक्स पावर एन माइनस वन से वन के बीच में तो बेटा माइनस वन से वन के बीच में यहाँ पे क्या दिक्कत आएगा सुन जब हम वन रखेंगे तो वन आएगा न से जीरो के बीच में जीरो बेटा माइनस वन से वन ओपन इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू रख लो आपकी इच्छा है सर मेरे को तो माइनस वन बाई टू रखने का है बेटा रख इसके अंदर जैसे तू माइनस वन बाई टू रखेगा भैया ये, है और जैसे आप ये जीरो पे जाएगा तो माइनस वन से वन के बीच में कुछ भी वैल्यू रख ले भैया जीरो पे चला जाएगा पर बेटा जैसे तू एक्स्यू माइनस वन रखेगा तो ये ऑसिलेट कर जाएगा इसलिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वही बात है बकवास एक ही चीज है पॉइंट वाइज लिमिट यहां पे एक्जिस्ट नहीं कर रही है याद रखने की आवश्यकता है अब टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन उसका टेस्ट जो होता है, वो टेस्ट होता, है, क्या होता है कि अगर हमारे पास एफ एन एक्स कोई भी सिक्वेंस दे रखिए और एफ एक्स की पॉइंट वाइज लिमिट है तो यहां पे हम इसका वैल्यू निकालते हैं सुप्रीम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स और इसको टेंस टू चेक करते हैं अगर ये एन टेंस टू इन पे जीरो पे चला जाए ध्यान दीजिएगा अगर ये वैल्यू एन टेंस टू पे M, ये जो वैल्यू है, है ना अगर इसकी वैल्यू हमारे पास एन टेंस टू इनफाइन पे एम एन जीरो पे कन्वर्ज कर जाता है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बात करता हूं बेटा ये एक एक्साम्पल एक दे रखा क्या दे रखा बेटा ध्यान दीजिएगा एफ एन एक्स हमारे पास दे रखा है ये दे रखा है एन अपॉन एन प्लस एक्स और इंटरवल दे रखा है वेर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन बेटा ही हमारे पास दे रखा सुनना मेरी बात है ना अब अपने देखते हैं पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं तो बेटा इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट आएगी जब हम एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे बेटा ध्यान देना एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एन बाय एन कैंसिल हो रहा है बेटा वन हो जाएगा बोलो सही है कि नहीं अरे मेरे भाई एक्स को तुम जीरो रखोगे दिया जाएगा अब मैं एक्स की वैल्यू वन बाय टू रखता हूं इसके बीच में कोई भी वैल्यू पकड़ लेता हूँ मान लीजिए मैंने वन बाई रख लिया बेटा वन बाई टू रखूंगा कितना आएगा। एन अपन एन प्लस वन बाई टू अब हम चेक करेंगे कि लिमिट एन टैंस टू पे कहां जा रहा है बेटा जैसे चेक करेंगे लिमिट एन टैंस टू तो इन्फिनेटिव पे तो बेटा ये आएगा ये यह आएगा यहां पे एन कॉमन आएगा और ये आएगा वन प्लस वन बाय टू एन बेटा एन से एन कैंसिल और एन टैंस टू इन्फिटिव पे वन पे चला जाएगा बेटा ये भी हमारे पास वन पे जा रहा है है ना मतलब यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या जा रही है वन पे जा रही है मतलब एक्स जब ओपन इंटरवेल जीरो से वन के बीच में तभी वन जा रहा है

सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स बटा एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही एन अपॉन एन प्लस एक्स माइनस वन बेटा ये हमारे पास आएगा ना याद है भैया एफ एक्स की वैल्यू है अब इसको सिंपलीफाई कर दो यहाँ पे है ना तो सुन एम एन इज इक्वल टू यह आएगा सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू जीरो से वन बेटा इसको सिंप्लीफाई करो तो यार यहाँ से क्या आएगा एन माइनस एन प्लस एक्स बेटा ये आ जाएगा और नीचे आएगा एन प्लस एक्स बेटा एन से एन क्या हो गया कैंसिल हो गया राइट right? तो यार ये आएगा हमारे पास एम एन ये आएगा सुप्रीम ऑफ x बिलोंग्स टू जीरो से वन बेटा यहां आएगा हमारे पास तो आएगा एन सेन कैंसिल हो गया तो माइनस एन अपॉन वन अपॉन एक्स आ जाएगा बोलो जी सब कोई दिक्कत भैया किसी को दिक्कत आ रही तो मुझे बता दो गुरु जी यहाँ समस्या आ रही है है ना बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब आपको देखना है कि भैया ये एन टाइम्स टू तो इन्फिटी पे कहाँ जा रहा है अब हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे इसका सुप्रीमम देखते हैं बेटा क्लोज इंटरवल जीरो टू वन में इसका जो सुप्रीमम होगा वो कितना आएगा वन आएगा वैसे हम यहाँ से भी रख सकते हैं और अगर आप चाहो तो इसमें एक तरीका और है कि इस जीरो से वन के बीच में एक सिक्वेंस ले लो इस जीरो से वन के बीच में एक सिक्वेंस ले तो हम जानते हैं एक सिक्वेंस होती है वन अपॉन एन तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ वन अपॉन एन करके रख दो आप है ना जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर वन अपॉन एन करके पुट करो उससे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को है ना जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेटा हम क्या करेंगे जीरो से वन के बीच में हम वन अपॉन एन ले लेंगे आप है ना जैसे ही लिखेंगे तो बेटा ये आएगा एम एन इज इक्वल टू यहाँ पर वन अप एन और फिर यहाँ पर लगा देंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव ये आएगा लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी तो बटा जाएगा माइनस का वन अपॉन एन या आएगा एन अपॉन वन अपॉन एन आ जाएगा राइट बटा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एन टेंस टू मतलब उस उस पर्टिकुलर जीरो से वन के बीच में जो सिक्वेंस होती है मतलब वो वो आपको एक्स की वैल्यू वो लेनी है जिसका रेंज जीरो के बीच जीरो और वन के बीच में आ रहा है आपको वो एग्जाम्पल लेना है जिसका रेंज जीरो और वन के बीच में कंटेन कर रहा हो तो वन अपॉन एन का जो रेंज आता है वो जीरो और वन के बीच में ही आता है तुम ले सकते हैं यहाँ पे राइट बट आया पे लेंगे तो ये आएगा एन स्क्वायर प्लस वन और बेटा जैसे एन टेंस टू इनफिट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा मतलब एम एन एन टैंस टू इनफिट भी जीरो पे जा रहा है मतलब इस जो हमारे पास होगा ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं यही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको समझने की आवश्यकता है राइट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 150 के आसपास

बेटा जीरो से वन के बीच में हमने लिया है ना हमने के लिए बेटा एफ एन एक्स लिया ध्यान दीजिएगा और हमारे पास ये दे रखा है बेटा सिक्वेंस ये दे रखी है हमारे पास एक्स पावर एन जहां पर एक्स हमारे पास आ रहा है बेटा जीरो से वन के बीच में अगर हम इसकी बात करें तो बेटा इसका जो एफ एक्स आएगा वो हमारे पास क्या आएगा यार ध्यान दीजिएगा जब एक्स की वैल्यू ध्यान दीजिएगा जब एक्स की वैल्यू हमारे दिया। पास यहाँ पे क्या आ रही है बेटा क्लोज इंटरवल जीरो से वन के बीच में आ रही ओपन इंटरवल तब तो ये जीरो आ रहा है पर जैसे ही एक्स की वैल्यू वन आ रही है तो बेटा ये वन आया मतलब इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट ये कॉन्टीन्यूस नहीं है और अगर पॉइंट वाइज लिमिट कॉन्टिन्यूस नहीं है हाँ जी अगर पॉइंट वाइज हाँ जी हाँ बताएंगे आगे बताएंगे अगर पॉइंट वाइज लिमिट कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो उस वाले केस में फंक्शन हमारे पास यहां यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा सो दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन दिस इंटरवल राइट आगे बढ़ते हैं सुनिए एक और पे है कि इफ बी द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ एफ एक्स अगर कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है टू द एफ एक्स दैन इसका जो इंटीग्रेशन होगा

फ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अगर बाई चांस फाइनेट लिमिट पे एफ एन एक्स एफ एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफेटिव एफ एन एक्स डीएक्स देन वी केन मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा पर पे लिमिट इन्फानेट आ रही है तो यह बराबर नहीं भी हो तो भी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो भी सकता है राइट उस वाले केस में तो इन्फानेट लिमिट पे दोनों में से कोई भी लिमिट अगर इन्फानेट हो गई दैट टाइम वी कैन नॉट से एनी राइट मे बी और मे नॉट बी राइट बट यहां फाइनेट लिमिट है दैट टाइम

क्लास से पढ़ी होगी दैट इज सिक्वेंस ऑफ पार्शल सम ऑफ पार्शल सम है ना ऑफ सिक्वेंस है ना एस ओ पी एस बोलते हैं सम ऑफ पार्शल सम ऑफ सिक्वेंस है ना सम एस सम ऑफ पार्शल सम सम ऑफ सिक्वेंस है ना एस ओ पी एस है ना सिक्वेंस ऑफ पार्शल सम हाँ मतलब इसी टाइप का कुछ बढ़ा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ तो सुन एसओपीएस का कंसेप्ट होता है कि जो सिक्वेंस होती है उसकी टर्म को हम यहाँ पे क्या करते हैं एक एक करके ऐड करते जाते हैं उससे हमारे पास एक सिक्वेंस मिलती है एसओपीएस मिलता है अगर वो एसओपीएस कन्वर्जेंट है तो उससे सिक्वेंस भी हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगी मतलब सीरीज भी हो जाएगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी राइट मतलब उससे बनने वाली सीरीज भी तो सुन जो हमारे पास फंक्शन की जो हमारे पास यहां पे सीरीज बन रही है है ना सॉरी फंक्शन की जो सिक्वेंस आ रही है वो भी उससे बनने वाली जो सीरीज होती है वो अगर कन्वर्जेंट है तो उस वाले केस में हम यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे ये हमारे पास एक फंक्शन की सिक्वेंस है इससे बनने वाली जो इन्फाइनइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कि नहीं इसके लिए हमारे पास जो टेस्ट होता है वो ऑलमोस्ट इन्फाइट सीरीज वाले टेस्ट ही हम यूज करते हैं जैसे एन एज वन टू इनफेटिव एस एन एक्स अपॉन एन पॉर पी जब पी एन से बड़ा है तब ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा हाँ सिक्वेंस ऑफ सम है ना एन एन इज गुड वन सेन एक्स अपॉन एन पे ग्रेटर देन वन ये हमारे पास हो जाएगा सो दीज आर द एग्जाम्पल है ना इसमें जैसे हम बात करें वो यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं यहाँ पे तीन चार टेस्ट होते हैं एक हमारे पास यहाँ पे वॉइसलेस टेस्ट होता है एक यहां पे आबेल टेस्ट होता है ड्रीचले टेस्ट होता है तीन चार टेस्ट है जिसमें मैंने अपने यूट्यूब पे काम कर रखा है मैं सभी को इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा कुछ पर्टिकुलर को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा तो सुन अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन की इंफानाइट सीरीज है ध्यान दीजिएगा फंक्शन की इंफानाइट सीरीज है वो यूनिफॉर्मली मतलब सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करेगी इस क्लोज इंटरवेल ए बी के अंदर है ना अगर हमारे पास ऐसा कुछ एम एग्जिस्ट कर जाए मतलब ये बाउंडेड हो जाए है ना ठीक है तो सुन ये हमारे पास क्या हो जाएगा आ, मतलब अल्टीमेटली क्या होता है सुन यहां कि बाउंडेड तो क्या कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास लीजिए एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन और ये एन एन अगर हमारे पास कन्वर्जेंट है तो ये एफ एन एक्स भी हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए जैसे कंपेरिजन टेस्ट होता था सीरीज के अंदर वैसे यहां पर कंसेप्टन साइन एन एस अपन एनपॉवर फोर हम जानते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं लेस देन वन अपन और हम जानते हैं ये हमारे पास सीरीज होती है कन्वर्जेंट होती है अगर ये कन्वर्जेंट है तो भैया ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट होगी और यही हमारे पास वॉयसलाइस टेस्ट होता है इसको हम कंपेरिजन टेस्ट बोलते हैं इनफाइनट सीरीज के अंदर इनफाइनट सीरीज के अंदर हम कंपेरिजन टेस्ट बोलते हैं वही यहाँ पे वॉयस टेस्ट है इस अगर आप सी एस आई अर्नेट की तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो इस इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ ये ऑफर पर्टिकुलर कुछ दिन के लिए ही अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं इसमें फाइव ट्रिपल लाइन हमारी प्राइस है अगर आप दिसंबर 2023 के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं दो चौबीस के लिए लेना चाह रहे हैं तो जून दो की जो प्राइस है वो टेन थाउजेंड ट्रिपल नाइन है इस दिन यहाँ पे आपको मिलने वाला है कॉम्बैट सीरीज जनरल एप्टीट्यूड फाउंडेशन लाइव क्लास टेस्ट सीरीज स्ट्रीटर शेड्यूल ये सब कुछ आपको मिलने वाला है अगर आप यहाँ पर हमारा आई आजी का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इस ये आपको मिलने वाला है फाइव ट्रिपल नाइन के अंदर एंड टेन थाउजेंड ट्रिपल नाइन के अंदर दो हज़ार पच्चीस के लिए मिलने वाला यहाँ भी, भी आपको मिलने वाला है स्विन कॉम्बैट सीरीज फाउंडेशन लाइव रिकॉर्डेड पी डी एफ डी पी पोल्यूशन ये सब कुछ है सुन अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो वन टू डबल नाइन में हमारी सी एस आई आर नेट और आई डी जिम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि शुरू हो चुकी है एंड स्वन हमारे जनरल एप्टीट्यूड की जो टेस्ट सीरीज है अगर वो लेना चाह रहे हैं तो वन टू डबल नाइन है यहाँ पे आपको पी वाई के सोल्यूशनस भी मिल जाएंगे अगर आप जनरल एप्टी प्लस मैथ्स के लेना चाहें तो वन ट्रिपल नाइन यहाँ पे फीस है बाकी हमारी जो कॉम्बेट सीरीज होती है सुबह नौ से साढ़े दस बिल्कुल फ्री है। इसके कोई चार्जेस नहीं है पर अगर इसको रिकॉर्डेड देखना चाह रहे हैं इसके नोट्स चाहते हैं तो यार आप इसका ट्रिपल नाइन का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाकी हमारी बुक्स बुस अमेजन फ्लिपकार्टे अवेलेबल है इसलिए टेलीग्राम है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर हम लोग हमारी जो फ्री क्लासेज होती है उसकी अपडेट्स देते रहते हैं हमारा जो ऐप है वो मैथ्स केयर ऐप जो है वो आई और एंड्रॉइड पर अवेलेबल है नाउ दीज आर द सम क्वेश्चन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड <laughs> so, don't try to answer in the comment box, please. Curry, please. कर सुनो बताना चाह रहा हूं यहां पे क्या है एफ एन एक्स इज इक्ट माइनस एक्स पावर एन एंड जीरो टू वन के बीच में तो सुन वन पे ये अगर आप इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे तो सुन वन पे ये जो है ये माइनस वन पावर एन आएगा और ये ऑसिलेट करेगा तो पॉइंट वाइज लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सुनिए पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं करेगा पहले बात तो ये एफ एन हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट वाइज सब सिक्वेंस अब सब सिक्वेंस की बात आ रही है एफ एन हैज नो पॉइंट वाइज कन्वर्ज अब सब सिक्वेंस की बात आ रही है तो सुन यहां पे ये एफ एन एक्स है अगर मैं एफ टू एन एक्स ले लूँ तो बेटा ये आएगा माइनस वन पावर टू एन हो जाएगा माइनस एक्स पावर टू एन हो जाएगा तो बेटा ये एक्स पावर टू एन हो जाएगा, तो हो जाएगा ना अरे भाई माइनस है ना हट जाएगा अगर मैं यहाँ पे फोर एन ले लूँ तो बेटा ये भी हमारे पास एक्स पावर फोर एन जाएगा बेटा ये सब सिक्वेंस ही होगी सब सिक्वेंस समझते होंगे है ना सिक्स एन बेटा ये हमारे पास आएगा सुन एक्स पावर सिक्स एन तो ऐसी बहुत सारी सब सिक्वेंस मिल जाएगी और सुन जीरो टू वन के बीच में अगर बात करें तो सुन जीरो पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा अगर आप इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे तो ये हमारे पास जीरो पे तो क्या होगा सुन जब आ, हम बात करेंगे तो सुन एक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल जीरो से ओपन इंटरवल वन है तो ये तो जीरो देगा और जब एक्स की वैल्यू वन होगी तो यार ये वन दे देगा तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट वाइज कन्वर्जन तो है क्लियर है सुन यहाँ पे क्या होगा पॉइंट वाइज इसकी जो सब सिक्वेंस है क्या बोला देर इज इज वाइज कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस इट इज करेक्ट एफ एन हैज नो पॉइंट वाइज भैया सब सिक्वेंस होगी पॉइंट वाइज है ना ये बोला एफ एन हैज एक्जेक्टली भैया इनफाइनिइट होगी टू एन फोर एन सिक्स एन एट एन जितनी भी होगी सब हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस होगी तो यार ये भैया हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा सुनिए वाला क्वेश्चन करें प्लीज करिए प्लीज एक साहब ने बोला था कि सर माइनस इंफानेट से इंफानेट के बीच में एक तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हुई है माइनस इन्फानेट से इन्फानेट वाला ही है ये वाला क्वेश्चन है ना करो भैया ये माइनस इन्फानेट से इन्फानेट वाला ये भैया करो बेटा एक्स पावर टू एन है ध्यान देना अगर हमारे पास एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर टू एन है बेटा जहाँ पर भी एक्स है वहाँ वन रख देगा तू तो बेटा वन की पावर टू एन जो होगा वो तो वन ही होगा एन टेंस टू पे पर अगर तू ये रखा कि एक्स की वैल्यू वन बाई टू रखी बाई चांस तो बेटा हमारे पास जो एफ एन एक्स आएगा वो आएगा वन पावर टू बाई टू पावर टू एन और जैसे तू एन टेंस टू इन्फीनिट करेगा तो जीरो हो जाएगा भैया है ना तो ये फ़र्क है भैया डेनिम जी करे प्लीज देखो आ, मुझे लगता है कि सी एस आई आर नेट और आई आई जिम का कॉमन कंटेंट मुझे पढ़ाना चाहिए वन शॉर्ट सीरीज़ में मेरे से गलती हो गई कि मैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस लेके आया मैं सोच रहा था काउंटेबिलिटी और पॉइंट सेट टॉपोलॉजी भी पढ़ाऊँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं माफ़ी चाहूँगा मैं नेक्स्ट टाइम इस कॉन्टेंट को नहीं लूँगा अब मैं ऐसे टॉपिक्स लूँगा जो कि आई आई टी जिम और सी एस आई आर नेट के अंदर कॉमन है क्योंकि मैं अपना एक घंटा टाइम डेडिकेट करता हूँ मैं फ्री कॉन्टेंट दे रहा हूँ ये पी पी टी बनाने में कॉन्टेंट बनाने में हमारी टीम को बहुत टाइम लगता है मुझे भी लगता है सो so, आप लोग पढ़ते नहीं हो और अगर पढ़ भी रहे हो तो आप दूसरों को शेयर नहीं करते हो नहीं आप यहाँ पे सपोर्ट करते हो तो कहीं ना कहीं हमारे जो एफर्ट्स होते हैं वो वेस्ट जाते हैं तो आई विल नॉट कंटिन्यू दिस फॉर द कॉमन आई विल कंटिन्यू इट फॉर द कॉमन टॉपिक आई विल नॉट कंटिन्यू फॉर द ऑनली सी एस आई यानी टॉपिक सो द दोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इस बोला जा रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू आर ध्यान दीजिएगा इस अगर हम बात करें यहाँ पे मैं बात करूँ एफ एन एक्स के बारे में है ना ठीक है मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनट की बात करूँ अगर मैं एफ एक एक्स की बात करूँ तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा अगर आप कुछ भी वैल्यू ले लो इसके बीच में अगर आप इनफाइनेट ले लो तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इन इनफाइनेट यहाँ पे चलो फाइनेट वैल्यू लो कुछ भी ले लो यार मान लीजिए मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ थ्री ले लेता हूँ थ्री लूंगा तो सुनिए आएगा थ्री ई की पावर माइनस का नाइन एन आ जाएगा और एन टेंस टू इन्फिनट भी जीरो हो जाएगा कुछ भी वैल्यू ले लो आप यहाँ पर अगर आप माइनस थ्री ले लोगे तो भी यही कहानी आएगी टू अल्टीमेटली की पावर अगर आ रहा है तो एन टैंस टू पे लिमिट टू इनिमिट पे भैया ये जीरो पे ही जाएगा पर अगर आप रखोगे तो बेटा ये स्क्वायर है तो भी हमारे पास वैल्यू जीरो पे वन पे ही देगा मतलब जीरो पे ही देगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारे पास जीरो आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी जीरो हो जाएगी है ना तो शेयर करो फिर इसको है ना कम से कम बच्चे होने चाहिए भारत में सी एस आई आर नेट मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले लगभग पैंतीस हज़ार बच्चे हैं और सेट एग्जाम अलग अलग स्टेट में देने वाले लगभग पचास हज़ार बच्चे हैं अस्सी हज़ार बच्चे तैयारी करते हैं एक सौ पचास बच्चे देख रहे हैं ठीक है इधर देखिए सुनिए ध्यान दीजिएगा इतना सा काम तो कर दिया करो यार इस सुनिए या इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो हमारे पास क्या आ रही है जीरो आ रही है तो सुन अब बात करते हैं इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट तो हमारे पास आ गई अब हमें देखना है कि यार कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे हम इसका एम एन टेस्ट लगाएंगे तो एम एन हमारे पास क्या होता है सुन ये आता है सुप्रीम पर x बिलोंग्स टू हमारे पास ये आ जाएगा R एंड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ले लेंगे बेटा है ना तो ये आएगा हमारे पास सुप्रीम ऑफ x बिलोंग्स टू R एफ एन एक्स सुन एफ एन एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास आ n e की पावर सॉरी uh, x e की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर और जीरो पे जीरो आ जाएगा राइट right? तो बेटा ये आएगा सुप्रीमम x बिलोंग्स टू R बेटा ये आएगा हमारे पास x e की पावर माइनस का एनएक्स स्क्वायर राइट अब यहाँ पे कोई भी आप सीक्वेंस ले लीजिए कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए जिसका रेंज हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है आर आर कुछ भी ले लीजिए आप यहाँ पे वन अप एन भी ले सकते हो कोई समस्या नहीं ऐसा नहीं कि वन अप ऑन एन भी ले सकते कुछ भी ले लो भैया वन अपन एन भी आएगा इसका रेंज इसके अंदर कंटेन करेगा ले सकते हो भैया कोई है ना कोई भी ले सकते हो आप क्लियर है हाँ जी तो सुन यहाँ पे बात करेंगे तो लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी भी बात करें तो बेटा ये आएगा हमारे पास एम एन और बता जाएगा लिमिट एन टेंस टू तो इन्फिनिटी आएगा वन अपॉन एन ई की पावर बेटा यहाँ रखेंगे तो माइनस वन अपन और जैसे आप एन टेंस टू तो इन्फाइनिट रखेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा जीरो आएगा आपके मन में कुछ और ख्याल आता है कि सर मैं यहाँ पे एन एक्स एन भी तो ले सकता हूँ बेटा ले ले ये एन स्क्वायर आएगा ए, लिमिट एन टेंस टू तो इन्फिनिटी पर जीरो चला जाएगा ये तो अल्टीमेटली कुछ भी ले लो आप भैया ये जाएगा उसी पर ही फोन में आ रहा कि नहीं यार आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर मैं तो एक्स इज इक्वल टू एन लेना चाहता हूँ बेटा ले ले कोई दिक्कत नहीं है एन रखेगा ई की पावर माइनस एन क्यूब आएगा तो आप बोलोगे सर तो इन्फानेट रहा नहीं आएगा ये आएगा एक्स ऊपर आएगा और नीचे इसको ई की पावर एन क्यूब लिख दोगे फिर डी हॉस्पिटल लगाओगे ना उससे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी तो आप कोई भी सिक्वेंस ले लो जिसका रेंज हमारे पास आर के अंदर आ रहा है उस पर यह हमेशा जीरो पे जाएगा मतलब ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा कन्वर्ज हो जाएगा तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या जाएगा करेक्ट हो जाएगा है ना ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जन कॉन्पेट्स भैया पूरे ओवर आर पे हो रहा है बाउंडेड बट नॉट यूनिफॉर्मली गलत आ जाएगा अ सिक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन बेटा यहाँ पे हमारे पास बाउंडेड फंक्शन आ रहा है यहाँ पे क्लियर है सो दैट्स दिस इज नॉट करेक्ट आगे बढ़ते हैं जी ये वाला करें वन हमारे पास बिलोंग्स टू टू वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट उसमें से कौन सा यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा करे प्लीज लगातार चार घंटे से क्लास ले रहा हूँ भैया कर प्लीज ओहो पोल को उनका कैदी करेंगे कर आपको चेक करना है कि जो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट है वो क्या आ रही है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव एफ एन एक्स का होता है एफ एक्स दैट इज पॉइंट वाइज लिमिट चेक करिए वो क्या आ रही है आई थिंक तीन मिनट तो ज़्यादा है सुनिया देखिए मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएंगे है ना चलो छोड़ो उसको इधर देखिए आप लोग की बात करें हम लोग है ना ठीक है ये आ यार हमारे पास x की पावर वन अपॉन एन वर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन बेटा हम इसकी एफ एक्स की बात करते हैं अब ध्यान देना बेटा जब मैं x की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो तो ये जीरो हो जाएगा अगर मैं x की वैल्यू वन बाय टू रख दूँ बाई चांस ऐसा रख दूँ तो बेटा ये आएगा वन बाई टू पावर वन अपॉन एन और अगर मैं जैसे ही एन टैंस टू इन्फिनेटी रखूंगा तो बेटा ये आएगा वन बाई टू की पावर जीरो दैट इज इक्वल टू वन तो बेटा वन आएगा मतलब कोई भी वैल्यू रखो आपकी इच्छा है कि सर मैं वन बाई थ्री रखना चाहता हूँ बेटा वन बाय थ्री भी यह आएगा वन बाई थ्री पावर वन वन एन टैंस टू इफिटि पे वन बाई थ्री पावर जीरो आएगा तो ये भी हो जाएगा तो सुन यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो अगर आप देखेंगे एक्स पावर एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरवल जीरो टू वन बेटा क्लोज इंटरवल तो यार ये हमारे पास वन दे देगा आप वन रखोगे तो भी वन आएगा तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट वाइज लिमिट आ रही है ये आ रही है और ये जो होता है ये हमारे पास होता है सुन लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनेटिव एफ एन एक्स होता है बेटा ये है ना ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है ठीक है तो आपसे बोला जा रहा है कि लिमिट एंड टेंस डिफिनट एक्सिस्ट यस इट इज करेक्ट इसमें बोल रहा है कि डिफाइन एज कंटिन्यूस फंक्शन बट ए फंक्शन नहीं दिस इज डिस्कटिन्यूस जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूस है इसमें अगर कोई भी फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट को होती है तो वो कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है ये बोल रहा है इसकी पॉइंट वाइज लिमिट जीरो होगी भैया गलत बात ये होगी है ना आगे बढ़ते जी सुनिए वाला क्वेश्चन करें प्लीज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म फंक्शन ऑफ सीरीज ऑफ द फंक्शन है यहां पे वाइस टेस्ट मैंने आपको बताया था याद हो आपको तो कर प्लीज अरे यूनिक प्लानेट तो खुद भी यूनिक एयर है तीन बार बोल चुका हूं ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आई आई जम में नहीं है तो परेशान क्यों हो रहा भाई मना किया है मैंने करे जी हट के कंसेप्ट है सुन ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहता हूँ स्विन यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यार ये जो सीरीज है कन्वर्जन की तुम तो वाई सैस टेस्ट लगाएंगे तो यह आएगा हमारे पास माइनस वन पावर एन साइन एन एक्स अपॉन एन टू द पावर लॉग ई एन इसको हम चेक करेंगे हम देखते हैं सुन ये आएगा वन अपॉन एन लॉग ई एन ये इससे क्या होगा बेटा बड़ा हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ये इससे क्या होगा बेटा बड़ा रूट टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है हर जगह रूट टेस्ट नहीं लगता बेटा ये सीरीज ऑफ द फंक्शन है ध्यान दीजिएगा इफानेट सीरीज नहीं है तो वो टेस्ट नहीं लगा सकते आप राजेश जी यहां पे अलग टेस्ट लगते हैं आबेल लगता है ड्रीस्टे लगता है वाइस राइस लगता है ए टाइप टेक के टेस्ट लगते हैं यहाँ पे इस दिन यहाँ पे हम जानते हैं कि लॉग ई एन जो होता है वो हमारे पास दो से बड़ा होता है तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो एन इज ग्रटर इक्वल टू ई स्क्वायर ध्यान दीजिएगा इस वन जो इसी एन होता है वो दो से बड़ा होता है ना क्योंकि बेस ई e है तो ऑब्वियसली इसकी जो एन की वैल्यू होगी ई से क्या होगी बराबर या उससे बड़ी होती है राइट है ना? तो ऑब्वियसली हमारे पास जो एन होगा अल्टीमेटली जब भी हम बेस की बात करते वैल्यू हमारे बड़ी होनी तो हो रखिएगा हो तो तो e हो इसकी वैल्यू क्या होगी e हो राइट है ना? ये पास पे इसकी हो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे इसका लॉग ले लू ध्यान दीजिएगा अगर मैं यहाँ पे हाँ जी बटा वही सेम कंसे लगने वाला है यहाँ सेम कंसेप्ट लगने वाला ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास एन लॉग ई एन आएगा अगर हमें दोनों तरफ एन लगा दू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर मैं दोनों तरफ एन लगा दूँ तो एन लॉग ई एन जो आएगा वो ग्रेटर देन एन स्क्वायर आ जाएगा सुन इसकी वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आ जाएगी ना इसको ऐसा कर दीजिए तो मैं इसको ले लेता हूँ तो वन अपॉन एन स्क्वायर एज ग्रेटर देन वन अपॉन एन पावर लॉग ई एन हो जाएगा तो बेटा ये जो आएगा ये वन अपॉन एन स्क्वायर आएगा और हम जानते हैं ये जो होता है पी सीरीज तेज से कन्वर्जेंट होता है तो यार ये भी हमारे पास क्या जाएगा कन्वर्जेंट होगा तो सुन सभी आर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं जी नहीं वाला करिए क्या ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा इस टॉपिक को अगर आप ढंग से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अभी वाला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा और इसमें नया कोर्स जो है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप नया कब से पढ़ाना चालू करेंगे खास करके आई आई के स्टूडेंट तो मेरा जो नया कोर्स है वो मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ाना शुरू करूँगा तो अगर कोई भी स्टूडेंट आई आई का है अगर वो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है तो मंडे से ले सकता है तो है वर्षा राना जी नहीं करना है ना अपने को एक्स्ट्रा टॉपिक पे काम नहीं करना है अपने को वही देना है जो दोनों में कॉमन है क्योंकि सी एस आर वाले बच्चे जो होते हैं वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं क्लास अटेंड है ना चलो कोई बात नहीं ठीक है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एक गेट प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट प्रोस्पेक्टिव पर पता नहीं क्यों जनता नहीं अटेंड करती है चलो जी इसमें ध्यान दीजिएगा हम जानते हैं यहाँ पे कि वन प्लस एन जो होता है वो एन से बड़ा होता है ऑब्वियसली बड़ा होता है अगर मैं एन मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे दोनों तरफ तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा एन स्क्वायर होगा अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा ये हमारे पास आएगा एन इन टू वन प्लस एन हो जाएगा तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यार ये आएगा हमारे पास मोड साइन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन इन टू वन प्लस एन जो होगा वो हमारे पास बड़ा होगा वन अपॉन एन स्क्वायर से और हम जानते हैं ये कन्वर्जेंट होता है बाय पी सीरीज टेस्ट तो यार ये भी हमारे पास क्या जाएगा कन्वर्जेंट होगा तो सुनिए फॉर ऑल आर हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो यार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वन सेकेंड मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ कि पढ़िए अच्छी बात है हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप सब एक ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करते रहिए और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करिए कभी ये मत सोचिए कि वो सीख जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं एजुकेटर हूँ मेरे कंटेंट को बहुत सारे लोग देख देख के सीख रहे हैं और फिर अपना चैनल चालू कर रहे हैं नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सी एस आई आर नेट मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ कि यार वो लोग को सीख जाएंगे तो मेरा नॉलेज चला जाएगा नॉलेज बढ़ाने से बढ़ता ही है कम नहीं होता है तो हमेशा ये इंटेंशन रखिए कि नहीं मैं क्यों शेयर करूँ इसका नेट क्लियर हो गया तो मेरा क्या होगा ऐसा सोच मत रखिए दिसंबर दो हज़ार तेईस का जो एग्ज़ाम है उसके प्राइस फाइव ट्रिपल नाइन है जून दो की जो प्राइस है वो टेन ट्रिपल नाइन है फॉर सी एस आई आने एट हमारा उदयबेच है अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अभी भी यहाँ पे मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ ग्रुप चेयरी एंड एक और टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन तो अगर आप अभी भी सोचना चाह रहे हैं कि सर मेरे को ज्वाइन करना तो बिल्कुल आप कर सकते हैं यहाँ पर आपको मिलने वाला है कॉम्बैट सीरीज जनरल एप्टीट्यूड फाउंडेशन ये सब टॉपिक्स आपको मिल मिल जाएंगे सभी मिल जाएंगे और क्लास भी मिलेगी रिकॉर्डेड भी है आपके पास और लाइव भी रहेगी जिम 2024 के लिए हमारी जो प्राइज़ है वो फाइव ट्रिपल नाइन है पच्चीस के लिए जो जो प्राइज है वो टेन ट्रिपल नाइन है सुनिए आप आपको मिलने वाला कॉम्बैट सीरीज फाउंडेशन कोर्स लाइव रिकॉर्डेड एड पी डी एफ डी पी पी सोलोशनस ये मिलेगा वैसे जितना कॉन्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ अगर कोई भी स्टूडेंट ने मेरा सब्सक्रिप्शन ले रखा है कमेंट करके प्लीज बताइएगा जरूर जो स्टूडेंट मुझसे ले रहा है उसके लिए मैं लगभग एस हजार नेट वालों के लिए साढ़े पाँच से छः घंटे क्लास ले रहा हूँ सुबह नौ से साढ़े दस क्लास होती है तीन से साढ़े चार क्लास होती है पाँच से छः वन शॉट सीरीज़ होती है फिर शाम को साढ़े छः से साढ़े सात डी पी पी सोल्यूशन होता है फिर रात को नौ से साढ़े दस क्लास होती है इस हमारी तरफ से पूरा डेडिकेशन के साथ टीम काम कर रही है इतना बेहतर और इतना सिस्टमेटिक वे में कॉन्टेंट आपको नहीं मिलने वाला है प्लस टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल रहा है लाइव क्लासेज आपको मिल रही है डी पी पी सोल्यूशन आपको मिल रहा है वन शॉट सीरीज़ में शॉर्ट नोट्स आपको बता रहा हूँ कैसे बनाने और टेस्ट सीरीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है अगर कोई स्टूडेंट जानना चाहता है तो टेस्ट सीरीज और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कर जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं ये जनरल एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज़ है वन टू तो डबल नाइन में आप देख सकते हैं इसको एंड uh, इसव मैथ्स और uh, जनरल एप्टीट्यूड की जो कमैंड टेस्ट सीरीज है वो वन ट्रिपल नाइन के अंदर है एंड uh, इसव ये हमारा कॉम्बैट uh, सीरीज़ है जो कि मैं लगातार ले रहा हूँ जो स्टूडेंट्स uh, मैंने बोला था कि सर आप हम कहीं और पढ़ रहे हैं पर सर हमारी ये कॉम्बैट सीरीज़ आप जरूर रखना मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा हूँ कोई चार्जेस नहीं हाँ अगर आप इसको रिकॉर्डेड देखना चाह रहे हैं अगर आप इसके लाइव पीडीएफ नोट्स चाह रहे हैं या फिर इसके टेस्ट चाह रहे हैं तो ट्रिपल नाइन में हम लोग जरूर इसको दे रहे हैं एंड सुन ये हमारी बुक्स बुस अमेजन फ्लिपकार्टे अवेलेबल है हमारा जो ऐप है वो आई ओ एस एंड एंड्रॉड पर अवेलेबल है एंड uh, स्विंट हमारा टेलीग्राम है यहाँ पे हम लोग अपडेट्स देते रहते हैं हमारी क्लास से रिलेटेड एंड जो uh, जो फ्री क्लास होती है उसके नोटिफिकेशन्स यहाँ मिलते रहते हैं इसको आप ज्वाइन कर लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाय बाय निवेदन करता हूँ कि जिंदगी में सक्सेसफुल टीचर बनना चाहते हो तो अपना माइंड सेट भी उस तरह से डेवलप करिए ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करिए सेग्रीगेट मत करिए उसको कहीं एक जगह लेने की कोशिश मत करिए जितना फैलाओगे उतना बढ़ेगा और सिखाने की कोशिश करिए और जो भी लोग काम कर रहे हैं हम जैसे एजुकेटर्स प्लीज़ उनके कंटेंट को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जहाँ तक जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर ज़रूर करिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए और मजे करिए और सीखते रहिए और, और सिखाते रहिए धन्यवाद